हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त टेली पार्ट टू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेली को रिएक्टिवेट कैसे करना है और डाटा बैकअप कैसे लेना है। ठीक है, जैसे ही आपका टेली ओपन हो गया है तो सिंपली आपको F12, आपके कीबोर्ड से आपको F12 की प्रेस करना है। ठीक है, मेनू आ जाएगा, मेनू में आपको सबसे नीचे जाना है लाइसेंसिंग पे। ठीक है, अगर आपने फ्रेश लाइसेंस लिया है तो आपको एक्टिवेट लाइसेंस करना है। ठीक है, अगर आपका लाइसेंस ऑलरेडी है, ठीक है, और आपने फ्रेश विंडो इंस्टॉल किया है या फिर किसी वजह से आपने विंडो फॉर्मेट करा था या फिर है ना, और आपको रिएक्टिवेट करना है तो आपको रिएक्टिवेट करना है। ठीक है, रिएक्टिवेट करने के लिए ये कह रहा है कि यू नीड टू एडमिनिस्ट्रेटर राइट टू परफॉर्म दिस एक्शन। ठीक है, तो ये जो टैली है आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यस करना है, यस आप करोगे तो यहाँ पे करना है वाई। ठीक है, वो वाई का ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ पे वाई करेंगे। वाई करने के बाद टैली ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको टैली का जो ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आपने परचेज किया है, ठीक है, gmail.com, ठीक है, वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा टैली, जैसे मान के चलिए मेरे पास तो इसका था नहीं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप आते हैं डाटा कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, टैली आपने एक्टिवेट कर लिया है और टैली आपने फॉर्मेट करके एक्टिवेट कर लिया है, और अब आपको जो आपका पुराना डाटा था उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो हम जाएंगे डाटा कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, डाटा कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, ये लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स। ठीक है, जहाँ पे भी आपका डाटा फाइल है तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ऑल्ट आपको प्रेस करना है। ठीक है, और वी प्रेस करना है। जैसे मान के चलिए आपका डाटा है आपके किसी ड्राइव में। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा ये डाटा है, यहाँ पे मेरा डाटा है। ठीक है, मेरा एफ ड्राइव में डाटा है, टैली का बैकअप मैंने एफ ड्राइव में लिया हुआ था। ठीक है, तो जब हमने एफ ड्राइव ओपन कर लिया तो आप इसका जो यूआरएल है, ठीक है, यहाँ से आपको यूआरएल कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी किया। ठीक है, अब जैसे ये आ गया है, जैसे मान के चलिए आपका डाटा डी ड्राइव में है। ठीक है, तो डी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे जैसे कोई भी फोल्डर है या फिर डाटा आपने बाहर ही रखा हुआ है तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे डाटा कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है, कंट्रोल जैसे कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ई आ गया है, ई आ गया, और यहाँ पे आके एक एंटर मारेंगे, फिर एंटर मारेंगे। अब एफ है और यहाँ पे भी हमें यही करना है, लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइल, जहाँ से हमें फाइल को एक्सपोर्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे और वी प्रेस करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, एंटर मारेंगे, एंटर मारेंगे, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है, एंटर मार देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, एंटर मार देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, लोकेशन ऑफ लैंग्वेज, कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, लोकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी कंट्रोल ऑल्ट वी। अब यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी हमें इसीलिए प्रेस करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल वी सिंपल काम नहीं करता है, कंट्रोल ऑल्ट वी काम करता है। ठीक है, एंटर मार देंगे, एंटर मारने के बाद ये एक्सेप्ट कर रहा है, एंटर मार देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रिस्टार्ट टैली, यस, हम वाई प्रेस कर देंगे, आपका जो टैली है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और डाटा आपका रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ऐसा डाटा इसको बैकअप रिस्टोर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।